केमिकल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर वो इनिशियल में कुछ था, इनिशियल में उनका टेस्ट कुछ था, फाइनल में उनका टेस्ट बदल गया, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस कहेंगे, ठीक है, जिनकी केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो जाएं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस कहलाएगी, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन की गई थी आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब आता हूँ यहाँ पे, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट द केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस, जहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगी, ठीक है, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि वो रिएक्शंस कैसी हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखता हूँ, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो आपको क्या होगा इसको जानकर बहुत ही शॉक लगेगा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो कैसे आप समझोगे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ओके, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए, सॉरी, इस चेंज को समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्टिविटी फर्स्ट 1.9 जो मैंने 9th क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया था इसके बारे में, कि मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको बोला था कि आप सैंड पेपर से उसको पहले वॉश करो, ठीक है, सॉरी, सैंड पेपर से रफ करके उनमें जो ऑक्साइड लेयर उसको हटा लो, ठीक है ना, जो भी लेयर चढ़ जाती है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी थे इसमें, तो प्रिकॉशंस क्या थी कि जो भी आपको करना है तो टीचर्स के असिस्टेंट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने छोटे से मैग्नीशियम रिबन को लिया, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाय रबिंग इट विथ ए सैंड पेपर, उसे साफ़ किया, ठीक है, और उसे टोंग के ज़रिए से हेल्प किया, टोंग के ज़रिए यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोगों ने क्या था, टोंग से उसको होल्ड किया था और यहाँ बर्नर के ज़रिए उसे थोड़ी देर रखा, ठीक है, और उसे बर्न करने की कोशिश की। तो व्हाट वी गॉट, तो हमने देखा वहाँ पे जब आफ्टर द बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ उस एक्टिविटी के लिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन जो थी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रही थी, वो फाइनली बर्न हो रही थी, एक फ्लेम, व्हाइट फ्लेम का फॉर्मेशन कर रही थी, चेंज, और वो कन्वर्ट हो गई थी पाउडर में, है ना। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कैसी पाउडर थी, उन्हें क्या कह रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे थे। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो कहने का मतलब हुआ, मैग्नीशियम को जब मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्निंग कराई, तो फाइनली मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी को देखता हूँ, एक्टिविटी 1.2, इसमें देखेंगे, टेक लेट नाइट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें क्या होंगी, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को अभी मैंने नहीं कराया, तो मैं आपको 10th में लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली में एक प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को अभी रहने देते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करते हैं, वहाँ से हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.3। तो आप फर्स्ट पॉइंट में देखोगे, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। तो आप फिगर में देख सकते हो, वहाँ पे अब मैंने एक कोनिकल फ्लास्क लिया यहाँ पे, ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया यहाँ पे, उसके